हाय एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपका फिर से स्वागत है मिल्सी फूड के चैनल में। तो आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आए जो कि कुछ मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं जो कि हमने कद्दूकस कर लिए अच्छे से। अब इसमें फेनुग्रीक ऐड करेंगे, मेथी। तो मेथी ऐड करना, अगर आप इसमें कोरिएंडर यूज़ करना चाहते वो भी आप कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स। तो इसमें हमने रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, प्लस हमने इसमें साल्ट यूज़ किया। अदर में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेना और इसका प्रॉपर एक पेस्ट तैयार कर लेना जो कि हमको ब्रेड में भरना रहेगा। और हमारा ये काफ़ी ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट है आज का। आप इसको मॉर्निंग या इवनिंग में अच्छे से खा सकते हैं, आपका ये हेल्थी है। तो हमने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। तो हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, ओनली हमने इसको नॉन स्टिक की तवे पे ही यूज़ किया है। अगर आप इसमें बटर का यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। तो आप एक ब्रेड लेंगे, इसको अच्छे से प्रॉपर इसके ऊपर प्रॉपर लेवल से आप इसको पेस्ट कर देंगे ग्रेवी को, जो हमने आलू की ये ग्रेवी तैयार की है। तो आप स्पून की मदद से आप इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से लगाना और इसके ऊपर एक ब्रेड रखना, उसको अच्छे से थोड़ा दबाना जिससे वो एक दूसरे से अटैच हो जाए, मतलब कि निकले ना बाहर, मतलब इसकी आलू की ग्रेवी भी ना निकले। मतलब आप इसमें ब्रेड पे अगर वाटर का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप इसको हैंड की मदद से ही अच्छे से दबा के इसको फिर कटिंग करना। तो हमने इसमें से 3 लेयर कट किया है। तो ऐसे दबा कर अच्छे से रेडी करना। और अब आप नाइफ़ की मदद से इसको 3 शेप में मैंने इसको कट किया है, मतलब कि शेप तो एक ही है मेरी, मतलब कि 3 लेयर में कट किया है, 1 2 3। तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमको फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अंत तक हमारे साथ वीडियो बने रहना, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। तो हमने पूरी इंग्रीडियंट्स कैसे बनाना है, क्या तरीका है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो स्किप मत करना। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो आपने देख ही लिया हमने कैसे कट किया है। तो हमारे आलू भी अच्छे से प्रॉपर भर चुके हैं इसमें। तो आप इसको थोड़ा हैंड से पुश करना चाहते हैं, इसको दबाना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो हमारे सारे रेडी हो चुके हैं ब्रेड, तो इसको आप ब्रेड कटलेट भी बोल सकते हैं। तो हमने अभी पैन लिया है, तो इसमें आप देसी घी डालना या आपको बटर डालना है तो बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बटर डालकर या देसी घी डालकर आप इसमें ब्रेड सेकना अच्छे से, ये ब्रेड कटलेट रखना। तो देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा शेप आया है, और मतलब कि हमने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा आजकल नुकसान देता है। तो ऑयल फ्री रहना चाहिए थोड़ा, मतलब कि देसी घी बटर मतलब नुकसान नहीं देता है। तो आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमने देसी घी से इसे अच्छे से हमने सेक लिया है प्रॉपर तरीके से। तो लाइट फ्लेम पे ही आपको इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, जो भी करना है करना। तो ये सेक लिया हमने अच्छे से, लो फ्लेम पे ही सेका है, तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और ये जला भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तो आप इसको रेड सॉस, ग्रीन सॉस के साथ खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।